उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष विष्णुदत्त यादव के नेतृत्व में कृषि विभाग के कार्यों के संपादन के बदले लेखपालों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रत्येक विभाग के कार्यों के संपादन एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग के कर्मचारी नियुक्त हैं, किंतु कुछ वर्षों से ऐसी परिपाटी बन गई है कि कृषि विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण विभाग, निर्वाचन विभाग, डूडा, नगर निकाय, खनन आदि विभाग अपने विभाग के कार्यों को भी राजस्व विभाग के लेखपालों के ऊपर डाल देने का सिलसिला जारी है और उनके विभाग की कमियों का ठीकरा लेखपालों के ऊपर फोड़ दिया जाता है, जिससे लेखपाल जनता में बुराई का पात्र बन जाते हैं। अधिक जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष विष्णुदत्त यादव ने बताया कि जी भाई साहब, किस लिए आप लोगों को ज्ञापन दिया जी? आज जो है प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम माननीय मुख्य सचिव को लेटर एम साहब को दिया है, जिसमें कृषि सम्मान निधि में लेखपालों का उपयोग हो रहा है, कुछ जनपदों से ऐसी खबरें आई हैं कि लेखपालों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कृषि विभाग की सूची त्रुटिपूर्ण है और जो है उसमें लेखपाल काफ़ी परेशान है। कई वर्गों में दी है, कहीं पिता का नाम नहीं दिया, कहीं आधार कार्ड नहीं दिया है, कहीं कुछ नहीं है। इस तरह के चीज़ों को लेकर कृषि विभाग पूर्ण ना करें, इसी चीज़ को लेकर हमें आज अधिकारी को ज्ञापन दिया।